सावन 2023 शनि का दान। सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है जो कि 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। सावन का पवित्र महीना शिव जी को समर्पित है, लेकिन इस महीने शनि देव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। शिव जी के प्रिय भक्तों में शनि देव का नाम भी शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव ने कठोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव से ही शनि देव को 9 ग्रहों में श्रेष्ठ न्यायाधीश और दंडाधिकारी होने का वरदान प्राप्त हुआ। शिव के भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाते शनि। शिव जी के भक्तों को शनि देव कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। इन लोगों पर अगर शनि की साढ़ी साथी और दया भी रहती है तो शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते। इसलिए सावन महीने में शिव जी के साथ ही शनि देव की भी पूजा जरूर करें और शनि को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों का दान जरूर करें। ए राशि वाले सावन में जरूर करें शनि महाराज को प्रसन्न। खासकर सावन में उन लोगों को शनि देव की कृपा जरूर प्राप्त करनी चाहिए जिन पर पहले से ही शनि की साढ़ी साथी और दया की महादशा चल रही है। सावन में कुछ चीज़ों का दान करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और साढ़े साथी या ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। बता दें कि फिलहाल मीन, मकर और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही है, वहीं मेष और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। सावन में करें इन चीज़ों का दान, प्रसन्न होंगे शनि महाराज। नंबर 1, सावन महीने में शनिवार और सोमवार के दिन काले तिल का दान करें। काला तिल शनि महाराज और भगवान शिव दोनों को ही प्रिय है। इस उपाय से ग्रह संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 2, साढ़े साथी और ढैया से मुक्ति के लिए सावन में शनिवार के दिन शनि महाराज से संबंधित चीज़ें जैसे काले उड़द की दाल, काले वस्त्र, सरसों का तेल आदि का दान करें। साढ़े साथी और ढैया से मुक्ति के लिए सावन में शनिवार के दिन शनि महाराज से संबंधित चीजें जैसे काली उड़द की दाल, काले वस्त्र, सरसों का तेल आदि का दान करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन लोहे का सामान दान करें, लेकिन खुद के इस्तेमाल के लिए इस दिन लोहे का सामान नहीं खरीदें। आप इस दिन लोहे का सामान दान कर सकते हैं, यह बहुत शुभ माना जाता है।